आपके पास असंख्य शक्तियां हैं जो कि आप स्वयं उन्हें जागरूक कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि अम्मा तुमको समर्पित होते हैं, माने क्या समर्पण किया मुझे, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, किस चीज़ को आप समर्पित कर रहे हैं? सोचिए कौन सी बात है जिसे आप मेरे और समर्पित कर रहे हैं। आप समर्पित कर रहे हैं यही जो बनाए हुए बेड़े हैं आपके, यही जो घरौंदे जिसमें आप बैठे हुए हैं, यही जो अपने अपने जिसे कहते हैं जेल बनाए हुए हैं, जिस जेल के अंदर आप बड़े व्यवस्थित रूप से सोच रहे हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में, इसको ही त्यागना है। और वो त्यागने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ध्यान धारणा में, निर्विचारिता में जाए। जब आपके मन में विचार आता है तो उस विचार ही के माध्यम से आपके ये पिछले किए हुए, कहना चाहिए, घर घरौंदे आपको घेर लेते हैं। जितनी देर आप निर्विचारिता में बैठ सकेंगे उतना ही आपका वृक्ष बढ़ेगा। निर्विचारिता में ही आत्मिक वृक्ष बढ़ता है और कोई ऐसा वातावरण नहीं जिसमें ये इसकी वृद्धि हो सकती। कोई कहेगा कि हमने खूब बैठ के माँ के भजन गाए, उसे कोई कितना भी भजन गाए, कोई कितने भी मंत्र कहे, चाहे कुछ कह ले, उस मंत्रों से या उस भजन से अगर आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित नहीं होती तो आप चूक गए उस बात को। बहुत से लोग हैं, हमने देखा, अभी एक देखा हमने, हरे रामा होरे रामा होरे रामा, पागल के जैसे सारी दुनिया दौड़ रही, अभी कहाँ जा रहे, एक मनोरंजन करते हुए सारे दौड़े जा रहे हैं, हरे रामा, उससे क्या मिलने का? उससे किसी को कुछ मिला? किसी में कोई परिवर्तन आया? कोई उनमें अच्छाई आई? सिर्फ आपने बजाय इसके कि आप इस तरह के कपड़े पहने के कुछ और कपड़े पहन लिए और रास्ते में आप दौड़ते घूम रहे चिल्लाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा, आपके अंदर कृष्ण की कोई चेतना आई है? कृष्ण की चेतना है कि आप साक्षी स्वरूप हो जाते, क्या आप साक्षी स्वरूप हो गए? फिर इस तरह की बाह्य चीज़ों में उलझ जाने से भी मनुष्य कभी कभी अपनी ऊर्ध्वगामी गति को बदल करके अधोगामी पर आ सकता है। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे बताई, मनोरंजन। मनोरंजन सहयोग में मना नहीं है, लेकिन मनोरंजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। लेक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। मंत्र ऐसे कहना चाहिए जिससे आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित हो। ध्यान ऐसा होना चाहिए जिससे आपके अंदर निर्विचारिता आनी चाहिए। कोई सा भी कार्य करते वक्त अगर आप निर्विचार हो जाएं तो सारी परमात्मा की शक्तियां आपके अंदर से कार्यान्वित होंगी। तो सबसे पहली बात है कि निर्विचारिता में उतरना चाहिए। लेकिन लोगों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें विचार को चालना मिले, जिसमें मनुष्य सोचता रहे, पागलों जैसे सोचता सोचता उसको समझ ले कि आह हा हा मैंने कितना सोचा, या पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसा सोच ले कि हाँ मैं तो बिल्कुल महाविद्वान हूँ। इन विद्वानों के लिए परमात्मा के साम्राज्य में जगह नहीं, जगह है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आत्मा को अपने चित्त पर पूरी तरह से प्रकाशित होने दिया और उसका माध्यम एक ही है, निर्विचारिता। तो प्रथम निर्विचार समाधि को आपको स्थापित करना चाहिए। निर्विचार समाधि को प्राप्त करने के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर खुद ही परिवर्तन आने लग जाता है। निर्विचारिता में आप अपने को स्वयं को देखने लग जाते हैं, आपको दूसरों के अलावा अपने में ही दोष दिखाई देने लगते हैं। सर्वप्रथम जब सहयोगी लोग आते हैं बाहर से, या सर्वप्रथम जो कहना चाहिए सत्य शोधक आते हैं, तो वो यही ढूंढते रहते हैं, अरे ये सहयोगी है, ये तो ऐसा था, वो सहयोगी है, वो तो वैसा था। उन लोगों को देखकर आधे में ही मुड़ जाते हैं। सहयोग सबके लिए खुला है, सबके लिए द्वार उसके खुले हुए हैं। कोई लोग जो इसके गर्भ में हैं वो बड़े महान हैं, और कोई जो उसके परिघी में जो घूमते हैं, पेरीफेरी पे जो घूमते हैं, उनमें बहुत खराबियां भी हो सकती पर वो भी अच्छे हो सकते। तो आप उनको ही देख करके मुड़ गए तो आप कहाँ तक पहुँचे? जब आप अंदर आएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो गर्भ में बैठे लोग हैं इनमें कोई विशेषता है, इनमें कोई चमत्कार है, इन्होंने कुछ पाया हुआ है। तब उनको देखते हुए आप सोचें कि हमें भी कुछ पाना है और हमें भी परिवर्तन आना चाहिए। जब आप निर्विचारिता में आते हैं तो साक्षी भाव से आप अपनी ओर देखते हैं और आप फौरन जान लेते हैं, अच्छा तो मैं आजकल चालाकी कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े चालाक बनते हैं आप अपने ही और देखते हैं शीशे में,
वाह जनाब चालाक महाराज क्या कहने आपकी, फौरन आपकी चालाकी गिर के जमीन पर उसी वक्त ख़त्म हो जाती। कारण जो चीज़ व्यर्थ है, जिस चीज़ से हमें एक तरह का वजन हो जाता है, जिस चीज़ से हमारे उत्थान में रुकावट होती, वो चीज़ धीरे धीरे झड़ती जाती। निर्विचारिता में ही आप हर चीज़ को ऐसा देख सकते हैं जिसे कहना चाहिए निरपेक्ष भाव, जिसमें कि आपको किसी से भी लगाव नहीं हो सकता। जैसे आपका बच्चा है, आप उसे निरपेक्षता से देखें, उसके और साक्षी और रूप से देखना शुरू करें। आप देखिएगा कि ये मासूम बच्चा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है और कितना परमात्मा को प्यारा लगता है। फिर आप देखेंगे कि उसके बोलने में, उसके चलने में, हर चीज़ में उसका जो आनंद है, जो परमात्मा ने अपने सुंदर हाथों से उसमें भरा हुआ है, उसकी एक एक चीज़ में, इतनी छोटी छोटी चीज़ में, उसके चलने में, बोलने में, हंसने में, आपको दिखाई देगा कि किस कदर वो बिल्कुल परमात्मा का ही बनाया हुई कोई रूप है। लेकिन ये न हो ये मेरा बच्चा है, फिर तूने ऐसा किया, उसको दो झापड़ मारी, फिर तू ऐसा गया वैसा किया, उसका जितना भी आनंद उठाने का खत्म। निर्विचारित में आप बैठने से बच्चा भी आपको समझ सकता है, और बच्चा ये सोचेगा कि देखिए ये तो मुझे देख रहे हैं और मैं भी इनको देख रहा हूँ, और धीरे धीरे निर्विचारता की शक्ति जो है उसमें प्रकट होकर के उसको भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो तटस्थता जिसे कहते हैं कि तटस्थ होकर के निर्विचारिता में आप दूसरों की ओर नज़र करें। सहयोग में जब आप प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम तटस्थ होना चाहिए। जैसे कि एक साइंटिस्ट जब किसी कॉलेज में जाता है शुरू शुरू में, तो वो तटस्थ होकर जाता है कि देखें आगे है क्या। लेकिन अगर शुरू ही से आप बहुत अकलमंद हैं तो आपके आगे सहयोग कहता अच्छा माफ़ करिए, आप जाइए अपने अकल को लेकर। अब जो इन लोगों ने कहा कि आपको बुद्धि से परे उठना चाहिए, सो कहना बात ठीक है, बुद्धि से परे उठना चाहिए, पर कैसे? बुद्धि का असर सारा अपने आज्ञा चक्र पे आता है, और आज्ञा चक्र पे आया हुआ असर निकालने के लिए भी इलाज निर्विचारिता है। बुद्ध ने तो सिर्फ कहा था कि आप अपनी आत्मा ही को प्राप्त करो, बाकी सब बात छोड़ो, भगवान की बात छोड़ो, कोई बातें मत करो। निरीश्वरवाद की बात करी, उनका छोड़ दीजिए, सिर्फ परमात्मा को पाने की बात करने से अच्छा है सिर्फ अपने आत्मानुभव को ही आप प्राप्त करो, बस और कोई बात नहीं करना। वजह यह थी कि और लंबी चौड़ी बात करने में ऐसे लोग मुझको भी पूछते हैं कि माँ हम भगवान कब होंगे? भाई हो जाओगे, हो जाएंगे ना, हाँ हो जाओगे, कब? उसकी कोई तारीख लिख के तो दी नहीं मुझे कि कब हो गए। अगर आप ये समझें कि सिर्फ आप आत्मा मात्र हो जाइए तो आप पहली सीढ़ी पर आ सकते हैं। हमें सिर्फ आत्मा मात्र होना है, माने का सिर्फ आत्मा ही पे रहना, पहले आत्मा तो हो जाइए फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। लेकिन जबकि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो और भी आप सोचते हैं कि हम एकदम से ही बड़े भारी कोई शंकराचार्य हो जाएं, तो हो नहीं सकते। आदि शंकराचार्य होने के लिए सहयोग में आते ही सारे गुण नहीं आ जाएंगे, लेकिन पहली सीढ़ी जिसको आत्मानुभव है उसे आप प्राप्त। आत्मानुभव के लिए फिर वही बात आ गई कि निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। अब ये दिल्ली शहर आपका ऐसा है कि मैं आई तब से राइट स्वाधिष्ठान ऐसे ज़ोर से चल रहा था, मेरे से बैठा तक नहीं गया। इसका मतलब यहाँ लोग सोचते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं। कम से कम कुछ करेंगे तो जो सोचने की जो गर्मी है वो करने में निकल जाएगी, लेकिन करते कुछ नहीं, ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग ये वो। अब इतना प्लानिंग यहाँ होता है और देश का हाल देखिए तो समझ में नहीं आता कि कौन से देश में हम बैठे, उसी में जिसमें इतना प्लानिंग होता है। वजह ये है कि जब आप कुछ सोचते भी हैं, जब तक उसमें आप कार्यान्वित नहीं होते, वो सोचने का अर्थ क्या रहता है सिवाय इसके कि अपना सर ही फिर जाए। और ये राइट स्वाधिष्ठान की पकड़ इतनी ज़्यादा यहाँ है कि शुरू से मैं जब से दिल्ली आ रही हूँ देखती हूँ कि राइट स्वाधिष्ठान यहाँ बहुत ज़्यादा पकड़। इसका कारण यहाँ अखबार है, यहाँ पर लोग हमेशा पॉलिटिक्स की बातें करते रहते हैं। यहाँ अभी कोई पॉलिटिक्स पद पे थे, कुछ उतर गए तो वो और ज़्यादा बोलते हैं, उनको कुछ और मिल गए, फिर इधर से वो हो गए, कुछ होते ही रहता है यहाँ पे। ऐसे ही कोई लोग सिंहासन पे बैठे हैं, कोई सिंहासन से नीचे बैठे हैं, कोई सिंहासन पे चढ़ रहे हैं, कोई सिंहासन से उतरे हुए आपस में इधर उधर दोस्ती कर रहे हैं, एक का दूसरे से झगड़ा होगा तो वो तीसरे से जाके मेल मुलाकात कर रहे हैं। ये सब बेवकूफ़ी का काम वो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल महाबेवकूफ़ी, समय बर्बाद कर रहा है, कोई किसी को याद नहीं करने वाला। इसे कोई आनंद की चीज़ तो पाई नहीं, कोई विशेष चीज़ तो पाई नहीं, लेकिन वो घोड़े दौड़ाने की आदत जिसको हो जाती है वो छूटती नहीं। फिर वो एक तरह का घरौंदा होगा,
सो उसके लिए भी यही सोचना चाहिए कि जब ये सब व्यर्थ चीज़ है, सब इसमें कोई समय बर्बाद करना है, तो एक कोने पे खड़े होकर देखें कि पागलों जैसे ये क्या अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो सोच लीजिए कि आप में अब धीरे धीरे साक्षी भाव शुरू हो रहा है। साक्षी भाव में मनुष्य किसी भी उलझनों में फंसता नहीं, कोई भी उलझन आती है उसकी ओर देखता मात्र। शुरू में ज़रूर लगता है कि मैं वहीं खड़ा हूँ। जैसे आज मैं डॉक्टर साहब को समझा रही थी कि अगर आप किसी भीड़ से गुजर करके किसी पहाड़ी पर पहुँच जाए और उस पहाड़ी पर से आप भीड़ की ओर देखें, तो कहीं अगर ज़ोर से ब्रेक लगा कुछ लगा तो आपको लगता है कि आप ही वहाँ, तो आप जरा दचक जाएंगे। लेकिन जब आप जान जाएंगे अरे मैं तो पहाड़ी पर बैठा, मुझे तो देखना मात्र है, तब आप नहीं दचके। ये स्थिति आने के लिए इसे ही निर्विकल्प स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य जो है वो कुछ भी देखता है जानता है तो भी वो विक्षुब्ध नहीं होता, शांत देखते रहता है। अब लोग कहेंगे ऐसी शांति में क्या अर्थ है? अगर ऐसे आदमी शांत हो जाए तो फिर लड़ाई कोई ना करे, कुछ ना कहे तो विरोध कैसे होगा? ऐसे मनुष्य की शांति परमाणु के आपके बम से भी बढ़ के तेजस्वी होती है और बड़ी कार्य करती है। इसके कार्य की आपको महिमा मैं क्या बताऊँ के कर एक ऐसा शांत पुरुष किसी भी ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ गड़बड़ी हो रही, एकदम से वहाँ बदल आ जाएगा। लेकिन वो पुरुष उस स्थिति में होना चाहिए जहाँ वो शांति पूरी तरह से अपने चारों तरफ उसकी प्रभा फैला सके, सब लोग एकदम से अवाक होकर शांत हो सके। जितनी हड़बड़ी मची वो एकदम से जा करके एक व्यवस्थित रूप से ठीक हो सकती। जैसे कि कोई जादू की कोई उसने विशेष कोई किमया कर दी है या जादू की कोई छड़ी उसने घुमा दी है कि सब एकदम शांत हो गए। इस शक्ति को प्राप्त करना उन लोगों के लिए है जो कि सहयोगी है। आज हम देखते हैं हर जगह शांति के फाउंडेशन बन रहे हैं, शांति का ये है शांति का वो है, इससे शांति कैसे हो सकती? शांति तो हमारे अंदर चीज़ है। अब मनुष्य जो खुद कहेगा मैंने तो शांति पा ली, पर दूसरा कैसे शांति पाए? दूसरा शांति पाता है आपकी शांति से प्रभावित होकर के। वो प्रभाव बुद्धि से नहीं होता है, वो प्रभाव अंदर ही अंदर प्रकाशित हो करके दूसरों को भी प्रकाशित करता है और इसी प्रकार मनुष्य शांत हो जाता है। अब सहयोग में आप जानते हैं कि हर तरह के लोग आते हैं, कोई बड़े ही वायलेंट, कोई बड़े गुस्सेले, कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी, कोई क्रांतिकारी और बहुत ज़्यादा लड़ने वाले, हर तरह के लोग मैंने देखे। लेकिन सहयोग में आने के बाद धीरे धीरे वो शांत होते जाते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि वो डरपोक हो जाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो कायरता से भागते हैं, नहीं, एक अपने हिम्मत से खड़े रहते हैं और उनको देख करके बाकी सब शांत हो जाते हैं। एक चीनी कहानी है, बड़ी अच्छी चीनी कहानियाँ बहुत अच्छी होती है, इसमें से एक कहानी ऐसी है कि वहाँ पर मुर्गे लड़ाए जाते थे पहले, तो एक राजा ने सोचा कि एक बड़ा अच्छा साधु है जिसके पास लोग जाने से बड़े बलवान हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, तो उन्होंने वो दो मुर्गे ले जा करके उनको दे दिए कि इनको आप ट्रेन करिए और जब इनकी लड़ाई होगी तब हम आपसे ले जाएंगे। तो वो मुर्गे उनके पास चले गए। एक महीने बाद राजा आए, उनका अच्छा दे दीजिए इन मुर्गों को, तो मुर्गे अपने शान से ऐसे खड़े हुए, बस राजा ने उनको उठाया और ले गए और उस प्रांगण में छोड़ दिया जहाँ पर लड़ाई होने वाली थी। सब मुर्गे उसमें घुस गए। अब वो सब मुर्गे आपस में लड़ने लगे, ये अपने दोनों यूँ खड़े, सब लड़ते लड़ते उनको देख करके हैरान हुए कि ये तो लड़ते ही नहीं। और जब भी उनके ऊपर वो सोचे कि हम इनको लड़वाएं तो बस यूं ही देखते रहे। सब मुर्गे हार करके चले गए, यही दो वहाँ पर खड़े रहे। इस कहानी का आशय ये है कि जब मनुष्य शांति के सागर में पूरी तरह से विद्यमान होता है तो जैसे कमल पुष्प के जैसे उसके सुगंध से लोग सुरभित होकर के शांतमय हो जाते हैं, पूर्णतया उनके अंदर शांति आ जाती है। इससे बढ़ के और क्या शक्ति शांति की हो सकती है।